योगी सरकार के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है और समाजवादी पार्टी का दामन थाम दिया है। उनका ये इस्तीफा लेकर के आए हैं तिलहर के विधायक वर्मा साहब, इनसे बात करते हैं। उनके हाथ में देखिए इस्तीफा है और इस वक्त राजभवन में आए, इस्तीफा दिखा दीजिए वर्मा जी। ये देखिए इस्तीफा है स्वामी प्रसाद मौर्य जी की, यहाँ दस्तखत और इस्तीफा लेकर के खुद आए हैं। ये बीजेपी के विधायक और ये भी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ही जाएंगे। सर पूरा अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को पहले। रोशन लाल वर्मा, विधायक तिलहर शाहजहांपुर, मैं तीसरी बार विधायक हूँ लगातार। सर आप स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ बसपा छोड़ के भाजपा आए थे, आप क्या ये इस्तीफा लेकर के आए हैं? इस्तीफा स्वामी प्रसाद जी ने दिया है अपना मंत्रिमंडल से, अब वो विचार करेंगे आगे क्या रणनीति बनेगी। उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली, अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया उनके साथ तस्वीर, उन्होंने ज्वाइन कर ली तो समाजवादी पार्टी उन्होंने ज्वाइन की है। अब आगे आगे उन्हें ट्वीट किया, अब आगे क्या रणनीति उनकी होगी ये पता नहीं। वर्मा जी तो अब आप सब लोग स्वामी प्रसाद मौर्य जी के समर्थक हैं, जहां स्वामी प्रसाद जी जाएंगे वहां आप भी जाएंगे, तो बीजेपी को झटका लग गया, आप भी छोड़ रहे हैं बीजेपी फिर तो? अभी विचार कह रहे हैं कि अभी हम लोगों को बैठ बात होना है, क्या देर है। तो ये बताइए नाराजगी किस बात को लेकर के है? बताएंगे फिर बताएंगे, बताइए तो वर्मा जी। बस बस अब हमें तो ये वर्मा साहब बीजेपी के विधायक हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा लेकर के आए हैं राज्यपाल के यहाँ पर, और इसके बाद देखेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ और विधायक भी जो उनके समर्थक हैं वो भी बीजेपी छोड़ के समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे। सहयोगी बिलाल के साथ राजभवन में सौरभ शुक्ला, एडीटीवी इंडिया।